क्या सलमान खान देने वाले हैं 90s के बच्चों को सरप्राइज? किस एक्टर में आई हिम्मत राधे से पंगा लेने की? किस तरह वांटेड सलमान के करियर के लिए लकी साबित हुई थी? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियो में। 2009 में एक ऐसी सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई जिसने सलमान खान के करियर को बदल कर रख दिया था। एक ऐसी रीमेक जिसके हूबहू सीन बाई सीन सेम होने के बावजूद भी फिल्म ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे। अब इसी फिल्म के सीक्वल को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा सल्लू भाई का जलवा यानी फिल्म वांटेड के सीक्वल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जल्द ही बड़े पर्दे पर वांटेड का सीक्वल यानी वांटेड 2 रिलीज होने वाला है। सलमान के जलवे पूरी दुनिया में मशहूर है, तभी उन्हें बॉलीवुड का भाई बोला जाता है। फिल्म ने बेस्ट फिल्म का खिताब अपने नाम किया और साथ ही सलमान को बेस्ट एक्टर उस साल अवार्ड भी मिला। जी हाँ, एक साल पहले जहाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि राधे ही वांटेड का ऑफिशियल सीक्वल है, लेकिन मैं आपको बता दूं फिल्म मेकर्स की ओर से ये क्लैरिफाई कर दिया गया था कि राधे वांटेड का सीक्वल नहीं है। जी हाँ, वांटेड का ऑफिशियल सीक्वल वांटेड 2 ही होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहली फिल्म की कहानी पूरी जगन्नाथ ने लिखी थी, वही जो फिलहाल अपनी फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म लाइगर की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, जिसमें तेलुगु इंडस्ट्री के कबीर सिंह, मेरा मतलब है ओरिजिनल अर्जुन रेड्डी यानी कि विजय देवरा कोंडा, बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। आपने एकदम सही सुना, लाइगर में विजय पहली बार अनन्या पांडे के साथ जोड़ी बनाते हुए नजर आएंगे और साथ ही फिल्म के को प्रोड्यूसर बॉलीवुड के कर्ता धर्ता यानी कि करण जौहर है। इस फिल्म को पैन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है, जो कई भाषाओं में रिलीज होगी। इस पिक्चर के जरिए जहां विजय देवरा कोंडा बॉलीवुड डेब्यू करते हुए देखेंगे, तो वही अनन्या पांडे टॉलीवुड डेब्यू करते हुए नजर आएंगी। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि वांटेड 2 से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से सलमान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक साथ काम करते हुए दिख सकते हैं। जी हाँ, आप सभी कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं वांटेड 2 के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।